गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। द अपैरेटस रिक्वायर्ड इज अ कॉन्वेक्स लेंस, देन अ प्लेन मिरर। देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, देन अ स्टैंड, ये स्टैंड है, फिर एक नीडल, फिर वाटर, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, एंड सम लिक्विड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस प्लेन मिरर पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। देखो कॉन्वेक्स लेंस रखा, उसके बाद आप ये नीडल लाइए और नीडल को आप ऐसे मूव करिए और एक पोजीशन ऐसी आएगी। देखो ये नीडल है ये, और कॉन्वेक्स लेंस में इसकी इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस में इसकी इमेज बन रही है। तो आप इस नीडल को इस तरह से मूव करेंगे ना, तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये नीडल और उसकी इमेज आपको साथ में मूव होती हुई दिखेगी। आप जब करेंगे तब आपको दिखेगा, कैमरा में नहीं दिख रहा, लेकिन आप जब लैब में आप आके परफॉर्म करेंगे तब दिखेगा कि ऐसे आप यहाँ से ऊपर से ऐसे नीडल को मूव करते जाइए नीचे की तरफ। तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये नीडल और कॉन्वेक्स लेंस में उसकी इमेज आपको साथ में मूव करती हुई दिखे, तो उस पॉइंट को आप फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो आप जैसे मैंने बोला जिस पोजीशन पे आपका नीडल और उसकी इमेज आपको साथ में मूव होती दिखने लगे, वो आपका फोकल लेंथ हुआ, वो पॉइंट आपका फोकल लेंथ हुआ। उस पॉइंट के लिए आप देखो, ये देखो ये आपका स्केल है पूरा, सी। तो जिस पॉइंट पे आपका नीडल और उसकी इमेज साथ में दिखने लगे, उस पॉइंट का ये रीडिंग स्केल से नोट डाउन करो और फिर से वही चीज रिपीट करो दूसरी बार कि कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें आपका इमेज और ये नीडल और इमेज साथ में दिखने लगे, और उस पॉइंट की फिर ये स्केल पे रीडिंग ले लो। तो दो बार उसी चीज़ को रिपीट करो, दो बार करने के बाद उसका एवरेज ले लो, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, तो आपको एवरेज फोकल लेंथ मिल जाएगी। सेकंड इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ वाटर। अब आपको क्या करना है, ये कॉन्वेक्स लेंस हटा के थोड़ा सा पानी इस मिरर पे डालो, और ड्रॉप एक बूंद जितना पानी, थोड़ा सा ही। फिर पानी डालने के बाद आप ये उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रख दो, पानी डालने के बाद उस पर कॉन्वेक्स लेंस रख दो, और फिर से यही प्रोसीजर को रिपीट करो कि आप यहाँ से लेना यहाँ से नीडल को मूव करना स्टार्ट करिए, कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आपका आपकी नीडल और इमेज एक साथ मूव होते हुए दिखने लगे, तो उस पॉइंट पे आपका स्केल की क्या रीडिंग है वो ले लीजिए, और यही चीज़ दो बार कीजिए, फिर से वही चीज़ कीजिए, तो आपकी दो ऐसी रीडिंग्स आ जाएगी विथ वाटर। तो दोनों का
सम करके डिवाइडेड बाय टू, सो यू विल गेट एवरेज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ वाटर। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस हटा दीजिए एंड इसको पहले तो आप साफ कर दीजिए, क्लीन इट। सरफेस जिस पे वाटर था उसको क्लीन करने के बाद अब ग्लिसरीन लीजिए, ग्लिसरीन की बॉटल से ग्लिसरीन लीजिए और वन ड्रॉप ग्लिसरीन पड़ गया। फिर ग्लिसरीन पड़ने के बाद आप फिर से उसके ऊपर ये कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए। कॉन्वेक्स लेंस रख दिया ग्लिसरीन के ऊपर, उसके बाद आप फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करिए दैट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और ऐसे आप एक पॉइंट ऐसा ढूंढिए कि आपकी यहाँ पे ऐसे मूव करके एक पॉइंट आप ऐसा ढूंढिए कि आपकी नीडल और इमेज एक साथ मूव करना करती हुई दिखे। नीडल और इमेज आप यहाँ से देखेंगे तो एक साथ दिखेंगे आपको, और यही चीज़ दो बार करिए तो आपकी दो ऐसी रीडिंग्स आ जाएगी। अब इन दोनों का एवरेज कर दीजिए, मतलब 46.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 47। अब आप थोड़ा सा ऑप्टिक्स याद कीजिए, यूज करेंगे फॉर वाटर 1/F2 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/FW, सो 1/FW इज 1/F2 माइनस 1/F1 which gives FW is equal to F1 F2 by F1 minus F2. F1 क्या है? Focal length of convex lens 19.5, और F2 क्या है? Focal length of convex lens with water, तो वो है 39। उसकी value put करिए तो FW आपको मिल जाएगा। उसी तरह for liquid, कौन सा liquid? तो glycerin। उसके लिए आपको ये formula दिया है, FL is equal to F1 F3 by F1 minus F3। F1 क्या है? फोकल लेंथ विद कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस रखो तो हमने देखा F1 19.5 है, और F3 क्या है? F3 है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ विद लिक्विड, ये रहा F3 47। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको FL ग्लिसरीन का भी फोकल लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको पता है 1.33 होता है, और ये भी फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। नाउ R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब R2 इन्फिनिटी क्यों है? देखो ये दो, अब R1 R2 मतलब कोई दो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो R1 किसका होगा? ये लेंस का। नाउ R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब R2 इन्फिनिटी क्यों है? देखो ये दो, अब R1 R2 मतलब कोई दो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो R1 किसका होगा? ये लेंस का, और R1 किसका होगा? ये लेंस का, और R2 किसका होगा? ये प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में 1/R2 इन्फिनिटी, तो 1/R2 ज़ीरो, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा NW माइनस 1/R1 इज इक्वल टू 1/FW। ओके, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें से R1 को इस तरफ ले जाइए, FW को इस तरफ ले जाइए, तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा R1 इज इक्वल टू NW माइनस 1 इंटू FW। तो NW की वैल्यू मिल गई,
एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अभी ये रही, तो आपको आर वन की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। उसी तरह से ये वाला फॉर्मूला है, उसी तरह से हमने ये वाटर के लिए किया, अब हम लिक्विड के लिए करेंगे। मतलब यहाँ पे एन डब्ल्यू था उसकी जगह एन एल, और एफ डब्ल्यू है उसकी जगह पे एफ एल। अब इस इक्वेशन में से एन एल को हम सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, आर एल को उस तरफ ले जाओ और वन जो माइनस में है वो प्लस कर दो, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एन एल इज इक्वल टू वन प्लस आर वन बाय एफ एल। अब वन प्लस आर वन कितना निकला, 12.87, और एफ एल एफ एल कितना है, 31.327 है। सो ये कैलकुलेशन करने से एन एल आएगा 1.412। सो योर रिजल्ट में लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.412, जो हमने अभी लास्ट में कैलकुलेट किया। ये एन एल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एल मतलब लिक्विड। सो रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज जो भी आपका आता है वो।